अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नासिर अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल VUBWN। आज की इस वीडियो में हम CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम की असाइनमेंट नंबर 2 के सोल्यूशन के बारे में देखेंगे। तीन हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं और इन तीनों को हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन वन हमें दिया हुआ है, वो कहता है ड्रा वेट फॉर ग्राफ फ्राम द गिवन प्रोसेस स्टेज इंफॉर्मेशन ऑफ सिस्टम एंड आइडेंटिफाई द प्रोसेस इफ एनी साइकिल इज क्रिएटेड इन द ग्राफ आर नॉट। ठीक है, प्रोसेस हमें दिए हुए हैं, रिसोर्सेज भी हमें दिए हुए हैं, इनके एलोकेशन भी हमें दी हुई है और हमें वेट फॉर ग्राफ ड्रा करने का कहा गया है। देखिए, जब हम वेट फॉर ग्राफ ड्रा करते हैं तो उससे पहले हमें रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ ड्रा करना होता है। ठीक है, जब तक हम रिसोर्सेज को एलोकेट नहीं करेंगे तब तक हम वेट फॉर ग्राफ को ड्रा नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से ये हमारा एक ग्राफ है, ठीक है ना, इसमें सबसे पहले हमने क्या किया है, रिसोर्सेज को एलोकेट किया है और इसी की बेस पे हमने वेट फॉर ग्राफ बनाया हुआ है, जिस तरह ये है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं वेट फॉर ग्राफ, यानी हर प्रोसेस को कोई ना कोई हम रिसोर्स एलोकेट कर देंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमें वेट फॉर ग्राफ बनाना चाहिए होगा हम वो बनाएंगे। तो जल्दी से हम वेट फॉर ग्राफ बनाते हैं। हमारे पास 5 प्रोसेस दिए हुए हैं और हमारे पास 4 रिसोर्सेज दिए हुए हैं। जैसे बुक में हमारे पास डायग्राम है, हम प्रोसेस और रिसोर्सेज को ऐसे ही बनाते हैं जैसे इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम रिसोर्सेज को बना लेते हैं या फिर प्रोसेस को बना लेते हैं सबसे पहले। तो प्रोसेस को हम सर्कल से ज़ाहिर करते हैं और जो रिसोर्सेज हैं उनको हम रेक्टेंगुलर से ज़ाहिर करते हैं, ये वाली शेप मार। हम सबसे पहले प्रोसेस को बिल्ड करते हैं। 3 प्रोसेस हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। एक हमारा P1 होगा, इसको कंट्रोल सी करते हैं और इसी को ही कंट्रोल वी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा P1 यहाँ पे आ जाएगा थोड़ा सा इससे ऊपर, और ये P2 और ये हमारा P3 आ जाएगा। ठीक है, हम इनके नेम भी देते जाते हैं ताकि बाद में हमें ना देने पड़े। तो ये हमारा P1 आ जाएगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल सी और इसको वी करते हैं हम, इसको भी डिलीट करते हैं। ठीक है, तो ये P1 हमारे पास आ जाएगा, इसको हम ऐसे रखते हैं। ये हमारा P2 बन जाएगा और ये हमारा P3 बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा P2 बन जाएगा और ये हमारा P3 बन जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने क्योंकि 5 प्रोसेस लेनी है जिस तरह इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, P4 और P5 भी लेना है, तो P4 और P5 भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। कंट्रोल सी और ये हमारा कंट्रोल वी आ जाएगा। यहाँ पे हम P4 को रख लेते हैं, इसको नीचे भगा देते हैं, ये हमारा P4 आ जाएगा, या फिर जैसे बुक में उन्होंने रखा हुआ है तो P4 यहीं पर है और इसी को हम पेस्ट करते हैं इधर, ये हमारा P5 आ जाएगा। तो ये हमारे प्रोसेस आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है इनके दरमियान। ठीक है, रिसोर्सेज को एलोकेट हम किस तरह से करेंगे, R1 फिर R2 R3 R4। ठीक है, तो हम भी इसी तरह से ही एलोकेट करेंगे रिसोर्सेज को। तो यहाँ पर हम रिसोर्सेज के लिए रिक्टेंगुलर यहाँ से ले लेते हैं, ये हमारा R1 आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हम R1 लिखते हैं और इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी भी करते हैं, कंट्रोल जेड ये हमारा आ जाएगा, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। और R2 हमारा कहाँ पे जाएगा, एलोकेट होगा, ये हमारा R2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा जी, R1 हमारा यहाँ पे, R2 हमारा यहाँ पे, R3 हम यहाँ पे रखते हैं, R4 हम यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 रिसोर्सेज हैं। तो कंट्रोल वी करते हैं, ये हमारे पास R4 आ जाएगा, या फिर आप इसको R3 भी कर सकते हैं, और यहाँ पे R4 हम रख लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा रिसोर्स एलोकेशन जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से हमारे पास बनेगा, ये R4 हमारे पास आ जाएगा। हमने 5 प्रोसेस बना लिए हैं और उनके अकॉर्डिंग हमने 4 रिसोर्सेज भी बना लिए हैं। अब जैसे इन्होंने एलोकेशन की हुई है वैसे हमने करना है। P1 को जो प्रोसेस उन्होंने एलोकेट किया हुआ है रिसोर्स, वो P1 से R1 की जानब जा रहा है, तो हमने क्या करना है, P1 से R1 की जानब एक एरो लगाना है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एरो है, P1 से R1 की जानब हमारा ये एरो चला जाएगा।
फिर हमने क्या करना है, फिर हमने आप पी टू से आर टू की जानब एक एरो को शेप करना है। तो पी टू से आर टू की जानब हम चलते हैं, तो ये पी टू है हमारा और ये आर टू है हमारा, ये शेप आ गई हमारे पास। फिर क्या एलोकेट किया हुआ है उन्होंने, फिर उन्होंने पी थ्री से आर फोर की जानब एलोकेट किया हुआ है, तो हम पी थ्री से आर फोर की जानब भी एलोकेट करते हैं। तो पी थ्री से आर फोर की जानब हमारा ऐसे एलोकेट हो जाएगा, ठीक है जी। फिर उन्होंने बिल्ड किया हुआ है पी फोर से आर थ्री की जानब, तो पी फोर हमारा कहाँ पे है, ये पी फोर है और इसको आर थ्री की जानब बिल्ड किया हुआ है उन्होंने। आर थ्री हमारा कहाँ पे है, ये हमारा आर थ्री है, ठीक है। तो पी फोर से हम आर थ्री की जानब चलते हैं, ये पी फोर और ये आर थ्री, ये कनेक्ट हो गया हमारे। फिर उन्होंने क्या किया हुआ है, फिर उन्होंने पी फोर से आर थ्री की जानब, पी थ्री से आर फोर की जानब, तो पी थ्री से आर फोर, पी फोर से आर थ्री, ये भी हो गया, पी फोर से आर फोर की जानब किया हुआ है। तो पी फोर हमारा कहाँ पे है, पी फोर हमारा ये वाला है, ठीक है। तो पी फोर से हम कहाँ पे जाएंगे, आर फोर की जानब, सही है। इसके बाद आर वन से जा रहे हैं वो पी फोर की जानब, आर वन हमारा कहाँ पे है, ये वाला है आर वन, इससे हम कहाँ पे जा रहे हैं, इससे हम जा रहे हैं पी फोर की जानब, ठीक है। तो ये हमारा पी फोर हो जाएगा। इसके बाद हमारा कहाँ पे चला जाएगा, इससे आर टू से हम पी वन की जानब जा रहे हैं, तो आर टू हमारा कहाँ पे आ गया, आर टू हमारा ये है, तो ये हमारा आर टू से पी वन की जानब चला जाएगा। इसके बाद वो कह रहे हैं कि जी आर थ्री से पी टू की जानब आपने जाना है, आर थ्री से पी टू की जानब, तो आर थ्री हमारा कहाँ पे है, ये है, और पी टू हमारा ये है, ठीक है। आर थ्री से हम पी टू की जानब जा रहे हैं ऐसे। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने करना है जी आर फोर से पी फाइव की जानब जाना है, तो हम आर फोर से पी फाइव की जानब जाते हैं, ये हमारा आ गया, ठीक है जी। ये हमारा बिल्ड हो गया है जी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। हमने एलोकेट किया हुआ है हर रिसोर्स को कोई ना कोई प्रोसेस, या हर प्रोसेस को कोई ना कोई रिसोर्स हमने एलोकेट किया हुआ है, सही है। आपने ये खुद से बिल्ड करना है। अब इसका हमने क्या बनाना है, इसका हमने वेट फॉर ग्राफ बनाना है। अब हमने इसी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का वेट फॉर ग्राफ बनाना है। अब वेट फॉर ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, उसमें से हम ये जो रिसोर्सेज हमारे हैं इनको डिलीट कर देंगे। अब रिसोर्सेज को डिलीट करने के लिए हमारे पास एक और इस तरह का ग्राफ बनाना चाहिए हमें, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ हम अब एमएस पेंट में बनाते हैं। तो इसको हम स्निपिंग टूल से कट कर लेते हैं ताकि ये वाला भी हमें याद रहे। इसको कंट्रोल सी करते हैं और पेंट के अंदर इसको जाके बिल्ड करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने बारी बारी जो रिसोर्सेज हैं इनको डिलीट कर देना है। अब हम रिसोर्सेज किस तरह से डिलीट करेंगे, अब देखें जो प्रोसेस का एरो जिस रिसोर्स पे जाएगा, ठीक है, उस रिसोर्स को हमने क्या करना है, मूव ऑन करवा देना है जिस रिसोर्स पे उसका एंडिंग जा रहा है एरो। आपको बात ऐसे समझ नहीं आएगी, जैसे कि ये R1 है, इसको समझ लेंगे हमने डिलीट करना है। अब इसको हम कैसे डिलीट करेंगे, अब देखें इस तरह से हम डिलीट कर देंगे। अब इसका जो एरो था R1 की जानिब जा रहा था, ठीक है, R1 से वो होते हुए P4 की जानिब जा रहा था, तो ये हमारा कहाँ पर लिंक पड़ जाएगा, ये हमारा जो लिंक बनेगा वो इस तरह का लिंक बनेगा। मैं अगर यहाँ पे लिंक बनाऊं तो ये इस तरह से हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये P1 से हमारा कहाँ पे चला गया, सबसे पहले P4 की जानिब। अब देखिए, अब हमने R2 को डिलीट करना है। R2 कहाँ पे जा रहा है, R2 से एक एरो आ रहा है P2 से R2 की जानिब, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको डिलीट कर लेते हैं। अब ये एरो कहाँ पे जाएगा, अब ये एरो हमारा डायरेक्टली P1 से कहाँ पे जाएगा, ये हमारा P1 से चला जाएगा, P2 से चला जाएगा P1 की जानिब, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये बनेगा। फिर हमने R3 को डिलीट करना है। R3 से हम कहाँ पे जा रहे हैं, R3 से हम P2 की जानिब जा रहे हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको डिलीट कर देते हैं। अब हमारा जो एरो बनेगा वो कहाँ पे जाके बनेगा, अब हमारा जो एरो बनेगा P4 से P2 की जानिब जाके बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये इस तरह था ना। तो फिर P4 से हम कहाँ पे जा रहे हैं, हम P4 से P2 की जानिब जा रहे हैं। अब P4 से हम कहाँ पे जा रहे हैं, R4 को, R4 को हमने जब डिलीट करना है तो किस तरह से डिलीट करना है, ऐसे हमने डिलीट करना है, ठीक है। अब देखिए P4 से हम कहाँ पे जाएंगे, P5 की जानिब जाएंगे,
तो यहाँ पे हम लगा देते हैं जी P4 से हम कहाँ पे जाएंगे, इस तरह का मैं ले लेता हूँ, P4 से हम P5 की जानिब जा रहे हैं, ठीक है, ये P4 से हम P5 की जानिब जा रहे हैं, और P3 से भी हम P5 की जानिब जा रहे हैं, ठीक है। तो ये दो एरो यहाँ पे सेट हो जाएंगे हमारे पास। तो इस तरह का आपने क्या करना है, इस तरह का आपने एक वेट फॉर ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है। वो फिर हमसे पूछ रहे थे कि इसमें साइकिल है या नहीं, तो साइकिल हमारे पास कहाँ पे बनता है, साइकिल हमारा P1 से P4 और P4 से P2, फिर ये हमारे ये साइकिल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। तो इस तरह का आपने MS वर्ड के अंदर ग्राफ बनाना है और आपका ये साइकिल बन जाएगा, सही है जी। चलें जी, तो मैंने ग्राफ को ना MS वर्ड के अंदर बना लिया, जिस तरह हमने पेंट के अंदर बनाया था ना, इस तरह ही मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, F5 हमारा ऊपर था तो मैंने उसको नीचे ले आया, ठीक है। ये हमारा फाइनल वेट फॉर ग्राफ बनेगा, आपने ये खुद ही बनाना है, आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट नहीं लेना क्योंकि बहुत से लोग लेंगे तो आपको कॉपी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है वो ओवरलेज के कंसेप्ट के ऊपर है। अब ओवरलेज क्या होती हैं, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन हम लेती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे ओवरलेज को सर्च कर लेते हैं। ये लेक्चर नंबर 31 के स्टार्ट पे है हमारे पास ओवरलेज, और इसके अंदर हमारे पास टू पास कंपाइलर का एक दी हुई है एग्जाम्पल उन्होंने भी। और इसमें देखिए, टू पास कंपाइलर हमारा कब यूज़ होता है, जब हमारे पास कोड सबसे बड़ा होता है या कोड ज़्यादा होता है, या फिर जब हमारे पास कोड साइज़ ज़्यादा होता है और अवेलेबल जो हमारी मेन मेमोरी होती है वो कम होती है, तब हम टू पास कंपाइलर यूज़ करती हैं। अगर आपने लेक्चर नंबर 31 सुना हो टीचर का, तो उसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पास 1 में हमारे पास क्या होता है और पास 2 में हमारे पास क्या होता है। देखें, पास 1 में हमारे पास कोड की सिंटेक्स चेकिंग होती है, ठीक है ना, हम चेक करते हैं कि कोड का सिंटेक्स ठीक है या नहीं, उसमें एरर है या नहीं, ठीक है। जिस तरह हम डेव सी प्लस प्लस में कोड को क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो सबसे पहले वो कोड को चेक करता है, ठीक है, कि इसमें जो कोड का सिंटेक्स है वो ठीक है या नहीं, इसमें एरर होते हैं तो वो हमें जनरेट करके देता है। जब हम किसी चीज़ का सिंटेक्स यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें पास 1 की ज़रूरत होती है, और पास 1 के लिए हमें लो मेमोरी की ज़रूरत होती है, बिसाइड्स के हम पास 2 को कब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पास 2 में क्योंकि कोड जनरेशन होती है, आउटपुट हमें दिखानी होती है, आउटपुट को दिखाने के लिए हमारा जो मेमोरी होता है वो ज़्यादा यूज़ होता है, सही है। तो इसलिए हमने इस चीज़ को बेस में रखते हुए क्या करना है, हमने अपना जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको करना है, टू पास कंपाइलर का, ठीक है। तो यहाँ पे जो गिवन हमारे पास है वो क्या है, अवेलेबल मेमोरी साइज़ है हमारा 170 KB, ठीक है, 170 KB आप कह सकते हैं। कोड साइज़ हमारा है 250, ठीक है। इसमें कॉमन रूटीन्स हमारे पास 30 KB ऐड हो जाती है, सिंबल रेट हमारा 20 KB ऐड हो जाता है, ओवरलेज ड्राइवर हमारे पास 20 KB ऐड हो जाते हैं, जिस तरह उन्होंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं, ठीक है। फिर वो क्या कर रहे हैं, जब इसका टू पास कंपाइलर बना रहे हैं ओवरलेज के एग्जाम्पल, ठीक है, पास 1 में वो क्या कर रहे हैं, पास 1 में वो देखिए, जब इन सब को ऐड कर रहे हैं तो हमारा जो टोटल मेमोरी बनता है वो कितना बनता है, ठीक है, हम यहाँ पे इनका टोटल मेमोरी बनाती हैं। टोटल मेमोरी साइज़ जो हमारे इस हैंडआउट्स के एग्जांपल में था वो कितना था, सबसे पहले तो हम वो देख लेती हैं, ठीक है। टोटल मेमोरी साइज़ हमारा था जी 150 KB, अवेलेबल मेमोरी साइज़, कोड का साइज़ जो हमारे पास था 200 KB, ठीक है ना। पास 1 में उन्होंने 70 KB लिया, ठीक है, मेमोरी साइज़ ओवरऑल 150 KB में से, ठीक है। और इसमें जो कॉमन रूटीन्स हमारी थी वो 30 KB ऐड हुई, हमारे जो सिंबल रेट थे वो 20 KB ऐड हुए, और ओवरलेस के जो ड्राइवर थे 10 KB उसके भी ऐड किए हैं सर ने, लेक्चर के अंदर बताया है। तो इस तरह ये हमारी जो कम्बिनेशन था, या इनको जब हम ऐड करते हैं तो ये 7 ये हो गया, 50 ये हो गया, ये हमारे पास 120 और 10 वो हमारे ओवरलेस के जो ड्राइवर थे 10 KB उसका, तो ये हमारे पास 130 KB जाता है। इसी तरह ही बिल्कुल मैंने एग्जांपल को सॉल्व किया है। जब हम देखिए, कॉमन रूटीन उन्होंने दी हुई है हमारे पास 30 KB है, सिंबल रेट उन्होंने 20 KB दिया हुआ है, ओवरलेस ड्राइवर उन्होंने 20 KB दिए हुए हैं। अब हमने इसका कोड देखना है, कोड हमारे पास क्या है, टोटल जो मेमोरी साइज़ है हमारे पास अवेलेबल 170 KB है। जब हम इन तीनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, ये 30 ये हो गया, 20 ये हो गया और 20 ये हो गया, ये हमारे पास 70 KB बन जाता है, ठीक है। अब हमारे पास जो बचता है P1 प्रोसेस, वो बचता है कितना, 70 KB, या तो वो 100 KB, या तो वो 100 KB जितना होना चाहिए या 100 KB से लेस होना चाहिए, ठीक है ना। अब 100 KB से हम लेस ही लेंगे, ठीक है, पास 1 को हमने पास 2 के मुताबिक लेस ही लेना है,
ठीक है, इसलिए मैंने पास वन को क्या लिया है 80 के लिया है, और इसी तरह पास टू का भी सेम ही करेंगे, जब हम उसको ऐड करेंगे तो वो हमारे क्या बनेगा, लेस बनेगा, वो भी 100 के से ही, लेकिन हम इसको 90 के लेंगे। जब हम इन तीनों को प्लस करते हैं यहाँ पे 90 के रख के, ठीक है, जो मैंने वैल्यू ली है, आप अपनी तरफ से 95 भी कर सकती हैं, ऊपर वाले को आप 85 भी कर सकते हैं या 75 भी कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस, क्योंकि वो 10 के का डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि पहला जो फेज़ होता है वो हमारे पास पास वन का कोड सिंटैक्स चेकर होता है, ठीक है, और जो दूसरा हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है कोड जनरेटर का। इन दोनों में फ़र्क है, कोड जनरेटर हमारी ज़्यादा मेमोरी लेता है और पास वन का कोड सिंटैक्स चेकर वो हमारी कम मेमोरी लेता है, इसलिए मैंने ज़्यादा मेमोरी किसको असाइन की है, पास टू को असाइन की है। यहाँ पे पास टू वुड भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 के, ठीक है जी। इस तरह आपने इसको करना है, बाकी आपने लेक्चर सुनना है, उस लेक्चर से आपका मेथड आ जाएगा। तीसरा हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कहता है, कंसीडरिंग द फॉलोइंग पैरामीटर कैलकुलेट द इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम। अब इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम हम कैसे यूज़ करते हैं या फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे आपने इफेक्टिव का सर्च करना है, हमारे पास एक फार्मूला आ जाता है, एग्जाम्पल भी उन्होंने दी हुई है, फार्मूला भी यहाँ पर हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इफेक्टिव को सर्च करता हूँ, हमारे पास जो फार्मूला है वो कौन सा है, टी इफेक्टिव, टाइम इफेक्टिव हमारे पास क्या होता है, एच आर टी टी एल बी प्लस टी मेमोरी प्लस एम आर, ये हमारा फार्मूला होता है। यहाँ पे एग्जांपल भी उन्होंने दी हुई है, ठीक है। हमारे पास जो टी मेमोरी का साइज़ है उन्होंने कितना दिया हुआ है, टी मेमोरी का साइज़ 150 नैनो सेकेंड्स, और टी टी एल बी का साइज़ हमारे पास कितना है, 25 नैनो सेकेंड्स। हिट रेशो हमारी 90% है, ठीक है, ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। हिट रेशो हमारी परसेंटेज से कहाँ पर हो जाएगी, ये हमारी 0.9 आ जाएगी, और नैनो सेकेंड्स को हम क्या करते हैं, ये प्लस करते हैं, जिस तरह हमारे पास फार्मूला है, जिस तरह इन्होंने एग्जांपल में किया हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जब हम कैलकुलेट करेंगे जो हमारा इफेक्टिव आंसर आएगा वो आएगा 190 नैनो सेकेंड्स। कैलकुलेशन का आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। तो ये आपके असाइनमेंट का सोल्यूशन था। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।